हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर कनेक्टेड विद आर के सिवाज फॉर मैथमेटिक्स 10+2। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले कि वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। इसका मतलब ये है, अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करता हूं तो ए इज इक्वल टू आई इंटू ए मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही रहता है, तो ए इज इक्वल टू ए हो सकता है, मतलब इसको ऐसा लिखा जाए। तो यहां पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट डाल दिए, यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इंटू में ए एज इट इज चला जाएगा आगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है तो कोलन को ठीक करेंगे। कोलन को ठीक करने का मतलब ये सबसे पहले कोलन में, फर्स्ट कोलन में 1 लाएंगे, उसके बाद 0 लाएंगे, फिर सेकंड कोलन के अंदर 1 बनाएंगे, फिर उस 1 के सारे से 0 बनाएंगे, उसके बाद थर्ड कोलन में सबसे पहले यहां पर 1 बनाएंगे, उसके बाद 0 लाएंगे। कहने का मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसकी कॉपी तैयार करनी है हमने, तो क्या किया जाए, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर लो, 1 तैयार हो जाएगा। बस वही काम कर दिया, इधर भी करना पड़ेगा, लेफ्ट में भी राइट में भी करना पड़ेगा। देखो कि फर्स्ट रो सेकंड किसी के, सेकंड फर्स्ट किसी के चली गई है, तो ध्यान रखना हमेशा। उसके बाद यहां पर 0 बनाना है, क्योंकि 0 बनी पहले मिल गई अपने को, तो इसलिए ऑपरेशन लगा रहा हूं R3 पे, R3 - 3 टाइम ऑफ R1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, यहां पर 1 वो भी पहले से मिल गया मेरे को बना बनाया, इसलिए मैं इसको 0 बना लूं और इसको 0 बना, इकट्ठे भी ऑपरेशन लगाने के लिए अच्छी बात थी, लगा सकते थे, बट मैंने अलग से लगा दी। R3 पे क्या लगा दी, R3 + 5 टाइम ऑफ R2 ऐड कर दिया मैंने, तो क्या होगा, यहां पर 0 बन जाएगा, 0 बन गया, यहां रिजल्ट होकर 8 की जगह माइनस की जगह 2 हो गया प्लस का, और बाकी की इधर भी चेंज आएगा, 0 - 3 1 की जगह 5 - 3 1 बन जाएगा। तो उसके बाद जो हम आगे काम कर रहे हैं उस पर क्या नजर आनी चाहिए अपने को, यहां पर, यहां पे 0 आनी चाहिए, तो वो कैसे बने, वो अप्लाई कर लें, या फिर ऑप्शन है पहले इस 1 को बना लो, उसके बाद ये 0 बना लो, जैसे भी करना चाहिए। तो मैंने पहले इसको 1 बनाया, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, R3 में से 2 कॉमन ले लिया, यूं कह लो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया R3 को। जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, बाकी के 5/2 - 3/2 1/2 बाकी एज इट इज फर्स्ट और सेकंड रो। यहां ऑपरेशन लगाया, नेक्स्ट टाइम मैंने क्या, R1 में से 3 टाइम ऑफ R3 सबट्रैक्ट कर दिया, तो क्या होगा उससे, ताकि यहां पर 0 बन जाए। तो वही काम आगे बढ़ा रहा हूं मैं, तो वो उस यहां पर आपको नजर आ रहा होगा 0 बन गया, बाकी सब चेंज हो रहा होगा, यहां पे आप उसको राइट साइड पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद R2 को ऑपरेट करोगे, क्या चीज यहाँ, किस लिए R2 पे, ताकि यहां पर 0 बनाई जाए। 0 बनाने के लिए जैसे कि मैंने क्या किया, R2 में से 2 टाइम ऑफ R3 सबट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 0 बन जाएगा, बाकी इधर भी चेंज आएगा, ये ध्यान रखना, इधर वही ऑपरेशन इधर भी लगाया। नेक्स्ट टाइम आपको मिल रहा होगा यहां पर 2 की जगह 0 कैसे मिलेगा वहां पर, यानी कि इसमें से इसका डबल माइनस कर दो। कहने का मतलब क्या लिखोगे आप, R1 - double of R2, वो मैंने इधर ऑपरेशन लिखने के बाद यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, वो ऑपरेशन यहाँ भी लगाना, R1 में से माइनस कर दोगे 2 टाइम ऑफ R2, जैसे ही माइनस करोगे आप ये रिजल्ट मिलता चला जाएगा R1 पे, और यही तो आपकी A इनवर्स है, वो आपको लिख देना है। नेक्स्ट, सेकेंड हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, फिर से लिखेंगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए, तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट, आई आइडेंटिटी एलिमेंट लिखती है और ए एज इट इज लिखा गया। सबसे पहले फिर से वही फोकस, यहां पर 1 बनाएंगे, बट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप कर सकते हो कि R1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो मैंने R1 को 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर 0 बनाने के लिए मैं R2 में से 5 टाइम ऑफ R1 सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर आपको नजर आएगा 0 बन जाएगा, बाकी में भी चेंज आएगा, इधर भी चेंज आएगा। उसके बाद सबसे पहले मेरे को यहां पर 1 बनाना, पहले से बना मिल गया, उसके बाद फिर ये और ये 0 बनाना, ये भी 0 मिल गया, तो इसको 0 बनाने के लिए R3 में से R2 को माइनस कर देंगे, तो वही मैं लिखने वाला हूं, R3 में से R2 को माइनस करूंगा, तो यहां पर 0 बन जाएगा।
तो यहां पर बी चेंज हो जाएगा, यहां पर भी चेंज हो जाएंगे सारे एलिमेंट ये ऑपरेशन लगाने के बाद। फिर उसके बाद हमारा फोकस रहेगा अपने को या तो जीरो बना लिया, सबसे पहले यहां भी वन बना सकते थे तो मैंने इनको जीरो बना लिया। ऑपरेशन लगाया आर वन प्लस आर थ्री एंड आर टू पे लगाया आर टू माइनस फाइव टाइम ऑफ आर थ्री, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। यहां पर भी दोनों रो के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे ऑपरेशन लगाने के बाद। उसके बाद लास्ट काम बचा है इसको वन बनाने के लिए, टू से मल्टीप्लाई करो आर थ्री को, तो आर थ्री को टू से मल्टीप्लाई करते थे, ये वन वन आइडेंटिटी बन जाएगी, इसके भी चेंज हो जाएगा फाइव माइनस टू और टू, यही तो ए इनवर्स लिख देना लास्ट में, ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें फिर से इनवर्स का पता लगाना है, तो इसलिए लिखेंगे सबसे पहले कि ए इज इक्वल टू आई ए, ए के एलिमेंट लिखे, आइडेंटिटी के एलिमेंट लिखे, इज इनटू में ए लिखा गया है। तो यहां पर सबसे पहला वन तैयार करना, तो वन पहले से बना हुआ, इनको जीरो बना लो, इकट्ठे ऑपरेशन लगा सकते जैसे मैंने लगा दिया आर टू माइनस आर वन आर थ्री माइनस आर वन, क्या है ये आर थ्री माइनस आर वन, जैसे आपने ऑपरेशन लगाया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो बन जाएंगे, इनके सारे आर टू के आर थ्री के एलिमेंट चेंज हो जाने, ये ऑपरेशन लगाओगे। उसके बाद मैंने आगे जो काम किया नेक्स्ट पेज पे, यहां पे पहुंच गए हम, तो ये ऑपरेशन यहां पर क्या करने जा रहा हूं मैं, तो यहां पर सबसे पहले मैं इसको जीरो बना रहा हूं, बनाने में इसको जीरो बना सकते थे, उसके बाद इसको जीरो बना सकते थे, बट मैंने क्या किया इनको जीरो बना लिया पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आर वन माइनस थ्री टाइम ऑफ आर टू कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो R1 is 3 टाइम ऑफ R3 किया, R1 पे ऑपरेट किया है, तो ये मेरा जीरो मिल जाएगा 3 का। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर ऑपरेट किया क्या चीज, R1 माइनस 3 टाइम ऑफ R2, यानी कि इसमें से इसका ट्रिपल माइनस करूंगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा। तो वो ऑपरेशन लेफ्ट और राइट पे दोनों साइड लगाओगे, उसके बाद ही रिजल्ट पाओगे, तो यही तो इनवर्स, क्योंकि यहां पर आइडेंटिटी बन चुकी है, तो सीधा इसको बोल दो इनवर्स। नेक्स्ट में ए गिवन है मैट्रिक्स, इसका इनवर्स पता लगाने के लिए पहले लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे, इनटू ए लिखा गया है। सबसे पहले यहां वन बनाएंगे, पहले से बना बैठा है, उसके बाद यहां जीरो यहां जीरो, इसको जीरो बनाना, ये भी जीरो पहले से ही है, इसका मतलब क्या है, एक ऑपरेशन लगा लो आर टू माइनस थ्री टाइम ऑफ आर वन, वही मैंने इधर लिख दिया, तो इसको इफेक्ट करेगा, इसको करेगा, इन सबको इफेक्ट करेगा वो ऑपरेशन लगाने पर। उसके बाद क्यों ना आप इसमें जो आपको नजर आ रहा है इसको जीरो बना, तो मैंने पहले क्या किया है R2 पे ऑपरेट किया है, क्या हो जाएगा उसे वन बन जाएगा, और उसमें से उसको माइनस कर दूंगा मैं। आप सीधा अभी इसमें से आप इसमें R2 में ऐड कर सकते थे R3 का फाइव टाइम, वो भी ऑप्शन है, मैंने लगा दिया आर टू गोज टू वन फिफ्थ नेगेटिव ऑफ आर टू, यानी कि R2 को माइनस फाइव से डिवाइड कर दिया, तो वन हो जाएगा यहाँ पर, सबको डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैं इन दोनों को जीरो बना रहा हूँ, क्या कर दूंगा ऑपरेशन लगा दूंगा दोनों इकट्ठे R1 माइनस डबल ऑफ R2 एंड R3 माइनस R2, तो जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन लगाया यहाँ दोनों जीरो बन जाएंगे, यहाँ भी ऑपरेशन में लगाते टाइम चेंज हो जाएंगे एलिमेंट। उसके बाद यहाँ सबसे पहले वन बनाते हैं, वन कैसे बने, अगर आप इसको 5 बाई 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ वन बन जाएगा, तो पूरी रो को करना पड़ेगा लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, वही मैंने इधर लिखा वन बन गया। वन बनने के बाद फिर ये जीरो जीरो बनाना है, तो दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगा सकते, आर वन में से 3 बाई 5 ऑफ आर थ्री सब्ट्रैक्ट कर दो और आर टू में से 1 बाई 5 ऑफ आर थ्री कर दोगे तो जीरो जीरो बन जाएंगे। जैसे ये इफेक्ट यहां भी पड़ता है इनके ऊपर दोनों रो पे फर्स्ट और सेकेंड पे, तो ये आइडेंटिटी बनने के बाद सीधा इसको बोल दो ए इनवर्स। नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, फिर से निकालना है इनवर्स, तो क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स के एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट इनटू ए लिखा गया। ऑपरेशन पे हमने सबसे पहले यहां पर वन बनाना है, पहले से बना बैठा है, इसलिए आप क्यों ना इन दोनों को जीरो बना दो, क्या करो इसका थ्री टाइम इसमें ऐड कर दो, इसका टू टाइम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वही मैंने लिख दिया इधर, ऑपरेटिंग आर टू गोज टू आर टू प्लस थ्री टाइम ऑफ आर वन एंड आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस डबल ऑफ आर वन, ये दोनों जीरो हो जाने के बाद सारे एलिमेंट आर टू के आर थ्री के चेंज हो जाने हैं, दोनों के दोनों देखो रो सेकेंड और थर्ड रो के चेंज हो चुके हैं, वो ऑपरेशन सभी पे लगेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड।
अब उसके बाद आप यहाँ पे वन बनाओगे, वन बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। क्या किया मैंने यहाँ पे, ऑपरेशन लिखा आर टू प्लस एट टाइम ऑफ आर थ्री, इसका एट टाइम इसमें ऐड कर दिया, वन बन गया। वन के सारे से दोनों को जीरो बना सकते हो, इकट्ठे ऑपरेशन लगा सकते हो, आर वन माइनस थ्री टाइम ऑफ आर टू एंड आर थ्री प्लस आर टू। जैसे ही ऑपरेशन लगाओगे दोनों जीरो हो जाएंगे तैयार, और उसके बाद इन दोनों पे भी ऑपरेट लग किया तो आपने एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पर वन बनाना होता है, यहाँ वन कैसे बनेगा, जब 25 से डिवाइड कर दोगे। जैसे आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो ऑपरेट में मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर चेंज आ जाएगा, जीरो जीरो वन हो जाएंगे आर थ्री के एलिमेंट, और यहाँ पर भी 25 डिवाइड में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद इन दोनों जगह पे हमने जीरो लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन लगाऊंगा आर वन प्लस 65 टाइम ऑफ आर थ्री एंड आर टू माइनस 21 टाइम ऑफ आर थ्री, तो दोनों जीरो बन जाएंगे। बट यहाँ आर वन आर टू के एलिमेंट चेंज हो जाने हैं, वो ऑपरेशन इधर भी लगाएंगे, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद आप बोल सकते हो दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इज इक्वल टू आई ए, लिखने के बाद ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखोगे इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट इनटू ए, और ऑपरेशन लगाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर वन बनाना है तो क्या करोगे, इसको टू से डिवाइड कर दो। फर्स्ट मैंने भी लिख दिया आर वन गोज टू वन बाई टू मल्टीप्लाई आर वन, या यू कह लो आर वन को डिवाइड कर दिया टू से, उसका रिजल्ट आपको आगे नजर आएगा नेक्स्ट पेज पे। जैसे आपने टू से डिवाइड किया R1 को, तो R1 को 2 से डिवाइड करोगे तो नजर आ रहा है 1 बाई टू इधर है, इधर 3 बाई टू माइनस 3 बाई टू, ये 1 बन ही गया। अब इन दोनों को जीरो बनाना है एलिमेंट, तो क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 में से डबल ऑफ R1 माइनस कर लो और R3 में से ट्रिपल ऑफ R1 माइनस कर लो, वही मैंने इधर कर दिया तो जीरो जीरो बन जाए, तो सारे एलिमेंट चेंज हो जाएंगे इधर भी राइट साइड में भी R2 R3 के। उसके बाद फोकस रहेगा अपने को यहाँ पर वन तैयार करना, इसका मतलब इसको फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लिख दिया आर टू को वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो इधर भी देखो रिजल्ट चेंज हो गए। ये वन के सारे से इन दोनों को जीरो बनाना है, तो दोनों इकट्ठे ऑपरेशन लगा सकते हो आर वन प्लस थ्री बाई टू ऑफ आर टू एंड आर थ्री माइनस फाइव बाई टू ऑफ आर टू, दोनों जीरो बन जाएंगे, इधर भी चेंज आ जाएगा। उसके बाद इसको वन बनाने के लिए माइनस टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो वही मैंने इधर लिख दिया आर थ्री को माइनस टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ वन वन बन जाए, वन बनने के बाद इसको जीरो बनाना बड़ा आसान है क्योंकि इसका थ्री बाई टू इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, वही मैंने लिखा आर वन में से थ्री बाई टू ऑफ आर थ्री सबट्रैक्ट कर दिया, तो इधर ये जीरो बन जाएगा, इधर के भी एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। ये एलिमेंट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हैं तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ए इनवर्स लिख देंगे डायरेक्टली। अब जो मैं आगे सम करने जा रहा हूं वो रो ऑपरेशन से ना करते हुए मैं कोलन ऑपरेशन यूज करूंगा। कोलन ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले तो इसी पर ध्यान दोगे, ए इज इक्वल टू ए आई लिखोगे, बट उसके अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा था आपने, क्या लिखा गया है इसमें, अगर मैं रो ऑपरेशन यूज कर रहा था तो आप ध्यान दोगे तो यहां लिखा ए इज इक्वल टू आई ए लिखा था, बट कोलन ऑपरेशन में लिख रहा हूं तो क्या ए इज इक्वल टू ए आई लिख रहा हूं, एक तो ये चेंज आएगा। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा, लिखने के बाद आगे बढ़ा, मैं ए मैट्रिक्स के एलिमेंट डाल दिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इधर जो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहां पर एलिमेंट डाले गए हैं। अब पहले तो ये सुनो क्या काम करना होगा, कैसे काम करना होगा, काम इसमें भी इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना हमारा फोकस रहेगा, बट वो करें तो करें कैसे, वो पैटर्न मैं यहां पर बोल रहा हूं कि सबसे पहले अगर आप कोलन ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो रो को ठीक करो, ठीक करने का मतलब यहां वन या जीरो, उसके बाद यहां वन उसके बाद ये जीरो, यानी कि पहले फर्स्ट रो फिर सेकंड रो फिर थर्ड रो, इस तरीके से चलेंगे। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले यहां वन बनाना था, पहले से बना बैठा है, इसका मतलब इसको जीरो बनाएंगे। अब इसको जीरो बनाने का मतलब है सी टू में से डबल ऑफ सी वन सबट्रैक्ट कर दो, वही मैंने यहां पर लिखा सी टू माइनस टू टाइम ऑफ सी वन। जैसे करोगे वो सी टू पे ऑपरेट करोगे, अब आर वन आर टू का कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि टू में से डबल ऑफ वन जीरो हो जाएगा, नाइन में से डबल ऑफ फोर एट माइनस करोगे तो वन हो जाएगा, लिख दिया मैंने, तो सी टू पे चेंज आएगा, सी वन पे कोई चेंज नहीं आएगा, इधर भी सी वन पे कोई चेंज नहीं आएगा बट सी टू पे चेंज आएगा। अब हमारे पास यहां वन तैयार करना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये क्या किया, इसको वन बनाया था, इसको जीरो बनाया, उसके बाद यहां वन के बनाने के बाद फिर जीरो, वन बना बैठा है पहले ही,
इस वन की हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे, सी वन में से माइनस कर दो क्या सी टू का फोर टाइम, तो वही मैंने लिख दिया इधर, जैसे ही करोगे तो जीरो बन जाएगा इसका, ये वन पहले से था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर भी ऑपरेशन यूज करना है और ये जो रिजल्ट आएगा वही तो ए का इनवर्स बनेगा। एक और देखिएगा टू बाई टू की मैट्रिक्स से जिसका इनवर्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं कोलन ऑपरेशन यूज करते हुए। सबसे पहले लिखोगे ए इज इक्वल टू ए आई, तो सबसे पहला फोकस हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर वन बनाना रहेगा, उसके बाद वन बनेगा यहाँ जीरो, उसके बाद यहाँ वन जीरो रहेगा, ये फोकस रहेगा अपना काम करने का। तो सी वन के साथ क्या किया जाए, आप चाहो तो रो को इंटरचेंज कर सकते हो तो वन मिल जाएगा, बट रो को ऑपरेशन हमने लगाना नहीं क्योंकि कोलन ऑपरेशन यूज करना हमने, इसलिए आपके पास ऑप्शन बनती है इसको टू से डिवाइड कर दो। किसको टू से डिवाइड कर दो, सी वन को। जैसे आप सी वन को डिवाइड करोगे टू से तो रिजल्ट मिलेगा आपको ये, यहां भी वन बाई टू हो जाएगा, बाकी सी टू पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये सी वन पे यानी कि मेरे पास वन आ गए, यहां पर जीरो बनाना है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि कोलन ऑपरेशन लगा रहे तो पहले रो को ठीक करोगे, ठीक करने का मतलब वन जीरो तैयार करना है। ये जीरो कैसे आएगी, आप C1 का 5 टाइम C2 में से माइनस कर लो, वही मैंने लिख दिया C2 माइनस 5 टाइम हो C1, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर जीरो, यहीं इसके भी चेंज हो जाएंगे, तो C2 पर चेंज आएगा इधर भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, जीरो भी बना सकते हो, सबसे पहले यहां भी वन बना सकते हो। तो क्या किया हमने लिखा C1 माइनस C2, क्यों, क्योंकि जीरो बन जाए बस, तो ये जीरो बना, इधर भी चेंज आएगा C1 माइनस C2, तो माइनस वन हो जाए, इसमें से इसको माइनस करोगे थ्री बन जाएगा। ये चेंज आने के बाद इसको वन बनाने टू से मल्टीप्लाई कर दो, आप किसको करोगे, R2 को नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोलन ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो कोलन का ही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलूंगा इसको C2 को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही लिखा मैंने C2 goes to टू टाइम ऑफ C2। जैसे मल्टीप्लाई करोगे सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, वो टू से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, हो जाएगा टू। तो ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है तो इसको आप बोल सकते हो ए का इनवर्स। अब है थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स जिसका हमें इनवर्स निकालना, बट यूजिंग कोलन ऑपरेशन, कोलन ऑपरेशन यूज करते हुए कैसे काम करेंगे, रो को ठीक करेंगे, तो वही पैटर्न। सबसे पहले यहां पर वन बनाएंगे, वन कैसे बनेगा, उसके लिए ऑपरेशन लगाएंगे सी वन और सी टू को इंटरचेंज कर लो, इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, अब तो इंटरचेंज करने पे वन बन जाएगा। अब वन बनने के बाद यहां जीरो लाऊं, वो ऑपरेशन लिखूंगा यहां पे, क्या ऑपरेशन लिख देता हूं, सी टू में से टू टाइम ऑफ सी वन माइनस कर लो और सी थ्री में से थ्री टाइम ऑफ सी वन माइनस कर लो, वही ऑपरेशन लिखने के बाद यहां पर जीरो बन जाएगा, इधर भी ऑपरेशन लगाओगे, ये ध्यान रखना है। किस पे लगाया आपने, सी टू पे और सी थ्री पे, सी टू और सी थ्री के एलिमेंट आपको चेंज आते नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा इसको वन बनाना, सबसे पहला उस वन के सारे इन दोनों को जीरो बनाएंगे, तो पहले वन कैसे बने, सी टू को डिवाइड कर दो, किस चीज से, सिक्स से, आर टू को डिवाइड मत करना, तो सी टू को जैसे सिक्स से डिवाइड किया आपको मिलेगा यहां पर वन, ठीक है जी, मैंने लिखा भी था। उसके बाद यहां भी सिक्स से डिवाइड किया होगा आपने सी टू को, ये रिजल्ट बनेगा। ये होने के बाद अब इनमें क्या कर, इन दोनों को जीरो बनाओगे, ऑपरेशन लिखा सी वन प्लस सी टू एंड सी थ्री माइनस थ्री टाइम ऑफ सी टू, ये रिजल्ट हो जाएंगे इधर इधर जीरो हो जाएंगे, जीरो होने के बाद इस पर भी चेंज आया, चेंज आने के बाद दोनों ऑपरेशन लगाने हैं आपने इसके जीरो बनाने के बाद। हाँ ये आ गया था अपने पास, यहां ऑपरेशन लिखने जा रहा हूं मैं, क्या सी वन प्लस सी टू और सी थ्री माइनस थ्री टाइम ऑफ सी टू, वो ऑपरेशन इधर लगाऊंगा इनके ऊपर, सी वन में C2 ऐड कर देता हूं, तो जैसे मैं ऐड करूंगा क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो वन रहेगा, माइनस वन में वन ऐड करोगे वन हो जाएगा, जीरो बन जाएगा यहाँ पर माइनस वन का, और टू में माइनस इलेवन बाई सिक्स को ऐड करोगे वन बाई सिक्स हो जाएगा। बट जब वो कहता है सी थ्री माइनस सी टू का ट्रिपल, यानी कि सी थ्री में से कौन है सी थ्री, ये है सी थ्री, इसमें से सी टू का ट्रिपल माइनस कर दो, जीरो में से जीरो का ट्रिपल जीरो रह जाएगा, थ्री में से वन का ट्रिपल जीरो हो जाएगा, और माइनस फाइव में से माइनस इलेवन बाई सिक्स का ट्रिपल माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे जीरो जीरो वन बाई टू बन गया। वही ऑपरेशन आपने इधर भी लगाने हैं, जैसे कि आपने सी वन प्लस सी टू किया तो सी वन में सी टू को ऐड करते सी वन में सी टू तो वन बाई सिक्स बन जाएगा इधर,
इसमें इन दोनों को ऐड करोगे 2/3 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 0 हो जाएगा। वही मैंने C3 पे भी ऑपरेट किया है। उसके बाद हमारा ऑपरेशन आगे बढ़ जाएगा तो सबसे पहले हमारा फोकस इसको 1 रहेगा बनाना, तो उसके लिए मैंने क्या किया, C3 को 2 से डिवाइड कर दिया। C3 को जैसे 2 से डिवाइड करो तो 1 बन जाएगा। अब आगे बढ़ने इन दोनों को 0 बनाना, उनके लिए मैंने C1 माइनस C3 का 1/6 कर दिया और C2 पे C3 का 11/6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा नेक्स्ट यहां पे, देख पा रहे होंगे जैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे C1 पे और C2 पे, C1 C2 के चेंज होंगे, C3 के एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। तो वो सारा जो कि पहले सोच के बैठे थे हम 0-0 बनाना है, तो 0-0 बनने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। वो ऑपरेशन आप इधर भी लगाएंगे, क्या लगाया था, C1 में से C3 का 1/6 सबट्रैक्ट कर दो। C1 कौन है, 1/6 है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है क्या चीज, C3 का, इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2/6, 2/6 को लिख सकते हो 1/3। तो इसी तरीके से चेंज हो जाएंगे सारे एलिमेंट इसके। तो अब जो ये रिजल्ट आया ऑपरेशन लगाने के बाद, वही तो इधर आइडेंटिटी बनने के बाद इसको इनवर्स बोल सकते हैं का। एक और है 3/3 की मैट्रिक्स, उसका आप देखोगे इसका भी इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स से, तो लिखोगे A = AI, तो A के मैट्रिक्स के एलिमेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट, इसको A एज इट इज चलते रहना है। सबसे पहले 1 यहां पर, उसके बाद 0-0 यहां पर, तो 1 तो पहले से बना बैठे, इनको 0-0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, C2 में से C1 का 2 टाइम सबट्रैक्ट कर दिया, C3 में से C1 का 3 टाइम सबट्रैक्ट कर दिया, तो रिजल्ट आएगा आपका यहाँ 0-0, ये चेंज हो जाएंगे -2 -3। और इधर आगे बढ़कर मैं क्या देखूंगा, तो सबसे पहले मेरे को चाहिएगा यहाँ पर 1 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, C2 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया बनेगा, इधर भी 2 से डिवाइड किया तो ये नजर आया। अब मैं इस R2 को कंप्लीट करूंगा, यानी कि 0-1-0 बनाऊंगा, इसका मतलब एक ही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा यहां पर इसको 0 बनाने के लिए, C3 में से C2 का 4 टाइम सबट्रैक कर दो, बन गया 0, इधर भी किया मैंने, तो चेंज आएंगे यहां से, बदल गए हैं एलिमेंट। अब मेरा फोकस यहां पर 1 बनाना है बस, तो इसका मतलब C3 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही आइडेंटिटी, इधर भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है आप इसको सीधा सीधा A का इनवर्स बोल सकते हो। तो आप देख रहे होगे यहां पर रो ऑपरेशन भी यूज करना पड़ रहा है, कोलन ऑपरेशन भी यूज करना पड़ रहा है। तो अगर उसने कोलन ऑपरेशन के लिए बोला है तो कोलन ऑपरेशन ही यूज करेंगे, अगर उसने रो ऑपरेशन यूज करने के लिए कहा है तो रो ऑपरेशन ही यूज करेंगे, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले। पूरे क्या, मैं तो मानता हूं शायद वो देंगे नहीं मार्क्स, जैसे जो इंस्ट्रक्शन मिली उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। हाँ, अगर उसने लिखा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, उस केस में आप जो मर्जी ऑपरेशन लगा दो, रो ऑपरेशन लगाओ या फिर कोलन ऑपरेशन लगाओ, आपने इनवर्स निकालने के लिए बोला है तो आप इनवर्स किसी भी रास्ते से निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 2 टॉपिक हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जा चुके हैं, डेटमेंट्स निकालना पिछली एक्सरसाइज में थी, तो अब इनवर्स निकालना इस एक्सरसाइज में आ रहा है। इनवर्स निकालने के 2 रास्ते हम सीख चुके हैं, एक था अपने पास A inverse = adjoint of A / determinants of A, ये भी था, और दूसरा इनवर्स हम यहां से निकाल रहे हैं किससे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। पर एक बात का ध्यान रख लेना, जो अगर वो लिख देता है स्टेटमेंट के अंदर फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए यूजिंग दिस मेथड, कोई भी मेथड बोल दे या फिर कोई पैटर्न बोल दे, जैसे अभी बात करें यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो उसके इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही बोला गया है तो वो यूज भी वही करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला गया, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बोला गया, आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। आज के लिए यही, थैंक यू।